हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशांत ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज आम प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर कंपलसरी सब्जेक्ट एईसीसी ओडिया बा आपणकर जोगाजगमूलक मातृभाषार इम्पोर्टां सिलेक्टेड दुई मार्क प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। यह पूर्व आम चार्टाक यूनिट एईसीसी ओडिया कंप्लीट कर सारे 15 मार्क प्रश्न उत्तर और 2 मार्क प्रश्न उत्तर। आपने डिस्क्रिप्शन जाकि सेकेंड सेमिस्टर कंपलसरी ओडिया क्लास प्लेस जाए जितोटी क्लास अच्छे सब आप देखिपारे। तो आपर एग्जाम 12 मार्क प्रश्न उत्तर आसो से आपने 10 करेंगे। तो आम इम्पोर्टाट 2 मार्क प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा जहाँकि आप सेकेंड सेमिस्टर पर इम्पोर्टां सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छी। तो भलसे भिडियो टू शेष पर्यटन देखिए और चैनल को प्रथम थर आसते चैनल को सब्सक्राइब करल नोटिफिकेशन को अन करदे जहाँद्वारा ये इम्पोर्टां भिडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपके सर्वथा पहुँचार। तो फिर चलतु भिडियो स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स, फास्ट क्वेश्चन रही श्राव्य जोाजोग क्या कहुए आंसर है जीव श्रवण द्वारा जो ध्वनि बा शब्द रु शुणी घटना संपर्क में अवगत होता है ताकि श्रवण जोाजोग श्राव्य जोाजोग को बुझाए। यथा संध्या समय मंदिर शंख घंटा बाजिले गाँ दाण्ड में जोड़ी महुरी किंवा नागरा शब्द शुणिले मन मध्य किसी ना कि बार्ता आसी पहुँचे ता साधारणतः श्राव्य जोाजोग को बुझाई थाए। तापर आस सांकेतिक जोाजोग कौन आंसर है जीव अर्थ मुक बधिर निजर भाव को व्यक्त करने सांकेतिक जोाजोग को आपण अच्छी अन्य अथे कह शारीरिक अक्षम व्यक्ति अंग संचालन कर निजर भावना को खंड कर निजर मनर भाव को परिप्रकाश करें कहुए फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन श्राव्य जोाजोग आपर क्वेश्चन रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा साक्षात्कार क्या मध्यम प्रसारण कराई थाए आंसर है जीव बेतार परी श्राव्य माध्यम दूरदर्शन परी दृश्य श्राव्य माध्यम और संवादपत्र मासिक पाक्षिक संवादपत्र परी मुद्रित माध्यम द्वारा साक्षात्कार प्रसारण कराई थाए। संप्रति वैद्युतिक माध्यम द्वारा साक्षात्कार प्रसारण खूब क्षिप्र गति पार्टी आसण कला कौन आंसर है जीव कथन कलार श्रेष्ठ रूप भाषण मार्जित शालीन हृदयस्पर्शी भाव और भाषा आकर्षण वा चतुरी माध्यम प्रकाशित हो सामूहिक जनता को प्रभावित कले भाषण कला कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषण परिसर व्याप्ति किपरि आंसर है जीव कौन विशिष्ट व्यक्ति स्मृति व जयंती सभार आरंभ कर जातीय तथा आंतर्जातीय स्तर पर्यंत भाषण परिसर परिव्याप्त यह परिसर आध्यात्मिक साहित्यिक भाषण ठारु तार्किक भाषण पर्यंत व्याप्त जेकोसी विषय भाषण परिसर अंतर्भुक्त होवर यार परिसर विशाल। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आस संवाद संग्रह करने नीति किपर होगा उचित यार आंसर है जीव सबु समय संवाद संग्रह करवा सहज नुहे अनेक समय संवाद संग्रह विपज्जनक होता है अति सावधानतार सूचनार उत्स को जा संवाद संग्रह करवा उचित व्यक्ति अनुष्ठान सुरक्षा करने सूचनार परवर्ती विषय भाविचिंत कार्य करवा उचित। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आस फीचर वैशिष्ट क्या कहुए आंसर है जीव यह एक स्वतंत्र धरण आलेख्य जहाँ विशेष अध्ययन गवेषणा साक्षात्कार द्वारा प्रस्तुत होता है सूचनार प्रच्छद पट को जा पुंगानुपुंग भाव विश्लेषण को फीचर वैशिष्ट बोली कहुए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन गणमाध्यम कौन यार आंसर है जीव बार्ता तथ्य व घटना को एक समय जनसाधारण निकट में पहुंचाइवा उद्देश्य जो माध्यम गुड़िक बाहक रूप व्यवहृत हमें ताकि गणमाध्यम कहुए अन्य अर्थर जो अवलम्बन सहयोग में गोटे ज्ञातव्य विषय व प्रसंग एका सांगे बहु लोकों पाखे सूचना व संवाद रूप से पहुँचा जाए गणमाध्यम मास मीडिया कहुए। तो सब आपर गोटे गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन रही है एवं आप नोट कर प्राक्ट कर दिखाँ जहाँ सब डिस्कसन होद्वारा एग्जाम भलसे प्रिपेयर हो पारे। तापर रही बर्णानगत अशुद्धि कौन दुईट बर्णानगत अशुद्धि उदाहरण दे शुद्ध रूप लेख आंसर है जीव ओडिया भाषा थिबा शब्द भंडार प्रति शब्दर स्वतंत्र बनान रही बनान जनित अशुद्धि कहले रही शब्दर अर्थगत पार्थक्य देखाई थाए कि शब्द में बनानगत त्रुटि देखाई थाए शब्दर उच्चारण और लिखन में बनानगत त्रुटि देखाई थाए दुईट बनानगत अशुद्ध शुद्ध है अनाटन हूँ अनटन शुद्ध त्रुटि तापर त्रुटि हूँ त्रुटि शुद्ध रूप। तापर आत्यय क्या कहुए ओडिया भाषा केते प्रकार प्रत्यय अच्छी यार आंसर है जीव धातु और शब्द सहित संजननीय विशिष्ट अर्थ उत्पादक वर्ण व वर्ण समष्टि को प्रत्यय कहुए ओडिया भाषा दुई प्रकार प्रत्यय रही पूर्व प्रत्यय और पर प्रत्यय शब्दर पूर्व लगुवा प्रत्यय है उपसर्ग बा पूर्व प्रत्यय धातु और शब्दर पर लगुवा प्रत्यय है पर प्रत्यय कृदंत और तद्दित शब्द पर प्रत्यय लगी गठित होता है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन शेष क्वेश्चन रही
वाक्य विधि जनित अशुद्धि कौन यार आंसर हो भाषार कथित लिखित रूप वाक्य प्रकाशित होता है। प्रत्येक भाषार वाक्य गठन शैली स्वतंत्र ओडिया भाषार वाक्य कर्ता कर्म क्रिया कर्म गठित होता है। गोटे शुद्ध वाक्य आवश्यक उपादान सठिक न रहिले किंवा वाक्यर विधान असावधानता हो वाक्य करले वाक्य विधि जनित अशुद्धि देखा जाए। तो ये आपर बारोटी दुई मार्क प्रश्न पत्र से आप दस टी करेंगे आपर एम एक्जाम आसी बारोटी दुई मार्क प्रश्न पत्र से आपने दस टी करेंगे। तो जहाँ सब आम डिस्कसन आपको भलसे प्राक्ट करदे पूर्वर मैं जो दुई मार्क प्रश्न पत्र डिस्कसन होने प्राक्ट करदे जहाँद्वारा एक्जाम जहाँ भी क्वेश्चन आसो आपने अटेंड करेंगे। तो आशा करछि भिडियोटी आपड़ा किसी हेल्पफुल होती है तेज भिडियोटी गोटे लाइक और सांगन सहित निश्चय सेयार करदे चैनल को प्रथम थर आसते चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देबे जहाद्वारा भी इंपोर्टेंट कंपलसरी ओडिया क्लास सेकंड सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यूज क्लास इंपोर्टेंट जॉब अपडेट गुरुत्वपूर्ण एजुकेशनल न्यूज अपडेट गुड़ी आपके सर्वथा पहुँचे। तो फ्रेंड्स वीडियो टेट रखा धन्यवाद।